नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है मम्मी तसानी कुकिंग चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं रिकवच। इसको हम रिकवच को अलग तरीके से बनाएंगे, लपेट कर बनाएंगे। ये पत्ता ले लिए हैं पूरा निकाल कर। अभी तो बरसात का महीना चल रहा है, देखिए कितना है जो रिकवच के पत्ता है, बरसात में पूरा उगता है रिकवच के पत्ता। तो इसको काट के ले लिए हैं हम। पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरा वीडियो आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आइए इसको हम जो डंठल है इसको हम निकाल लेते हैं, इधर से काट लेते हैं। ऐसा निकाल देना है, ये देखिए पूरा इसको धो कर लिए हैं हम। पूरा निकाल लेते हैं, ऐसा ही साइड में इसको रखते हैं। पूरा नरम नरम पाता है, सारा डंठल को हटा लिए, ये देखिए पूरा। और चलते हैं हम बनाने, इसमें के दिखाते हैं क्या क्या डालेंगे हम। अब मसाला में हम डाल लेते हैं, जीरा लिए हैं पूरा एक चम्मच, एक चम्मच गोल मरीच है, लहसुन का कलिया है, आई देख रहे होंगे आप तो ये है आम के अचार है। ये जो आम हम डालते हैं, आम तो बराबर कच्चा नहीं मिलता है, मगर वो अचार है डालेंगे, डालकर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा इससे। ये लाल मिर्ची है, ये है हमारा बेसन, बढ़िया वाला फ्रेश बेसन लिए हैं, पूरा अच्छा बेसन है हमारा, पूरा नाप कर एक कप के करीब है, देखिए थोड़ा सा कम है वजन से बोलूँ इसको तो 250 ग्राम के करीब है ये बेसन हमारा। तो आइए इसको हम पीस लेते हैं। तो ये लीजिए पीस लिए, जितना मसाला दिखाए थे उतना पीस लिए। इसमें एक चीज़ और अधिक तक हम डाले हैं, वो है चावल। चावल भिगो कर पीस लिए इसमें भी। चावल से बहुत जो रिकवच होता है बहुत बढ़िया बनता है, हेवी बनता है। अब लेते हैं एक बर्तन हम, अब इसमें हम बेसन को डाल लेते हैं। अब डाल लेते हैं एक बड़ा चम्मच नमक, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हम एक चम्मच के करीब अजवाइन डाल लेते हैं। इस अजवाइन को थोड़ा सा हम हथेली में लेकर क्रश कर लेते हैं। क्रश करने से क्या होता है कि बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। एक बारी डाल कर बना कर खा कर मुझे बताइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और जो मसाला पीस के रखे हैं वो अब हम डाल लेते हैं सारा मसाला। अच्छे से इसको करते हैं मिक्स, पानी डाल डाल कर थोड़ा थोड़ा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक बार नहीं पानी डालेंगे, नहीं तो जो होता है लेंस पड़ जाता है इसमें। फिर मिला लेते हैं पानी डाल डाल कर। तो ये देखिए पूरा इसको फेंट लिए अच्छे से, ये देखिए इतना ही मैं फेंटना है इसको। अब इसको साइड में हम रख लेते हैं। अब लेते हैं ऐसा चकला, इस पर एक हम पत्ता डाल लेते हैं। चम्मच से जो ये बनाए थे बेटर इसको हम इस पर डाल रहे हैं। अच्छे से इसको फैला कर लगा लेते हैं, हाथ से लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। पूरा इसको लगा लिए हैं, अब फिर से इस पर से एक पत्ता हम डालेंगे और थोड़ा ऐसा चिपकाएंगे इसको, फिर से लेंगे फिर से लगाएंगे। ऐसा
ऐसा ही लगा देना है। फिर से एक पत्ता लेंगे, फिर से इस पर लगाएंगे। देखिए इसको लगा लिए, अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, इधर से सटा लेते हैं। अब इसको ऐसा हम फोल्ड करेंगे पूरा, ऐसा दबा कर इसको मोड़ेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारा पूरा रिकोज के फेटी। ऐसा ही हम बना लेते हैं सभी को, ऐसा ही लेते हैं दूसरा पत्ता, इस पर भी हम पूरा लगा लेते हैं। फिर से डाल लेते हैं एक और पत्ता, बस ऐसा ही चिपका चिपका कर बनाना है। ये देखिए पूरा लगा लेते हैं इसमें भी, तो इसको भी पूरा लपेट लिए अच्छे से, इसको भी ऐसा ही हम फोल्ड कर लेते हैं। पूरा दबा दबा कर करना है, ढीला नहीं करना है, इधर से उठे तो ऐसा चिपका देना, बैठा देना है। तो ये लीजिए ये भी हमारा हो गया पूरा तैयार। ऐसा ही हम जो बचा है उसको भी बना लेते हैं। अब लेते हैं हम जाली वाला चारा, अब इसमें हम रख लेते हैं। ऐसा ही हम देखिए रख लिए, अब इसको हम रखेंगे कढ़ाई में उबालने के लिए। चूल्हे पर कढ़ाई में पानी रख लिए हैं, चूल्हे पर इसको हम उबालेंगे। अब रख लेते हैं जो रिकोच रखे हैं इसको, और ऊपर से हम एक बर्तन से इसको कवर कर लेते हैं अच्छे से। इसको पूरा लगता है 25 से 30 मिनट, ये उबलने में लगता है 30 मिनट। उबालेंगे तो बहुत बेहतरीन उबलेगा, थोड़ा भी गला जो होता है गला में नहीं उबलता है अच्छा, तो गला में खजुआ टाइप के हो जाता है तो नहीं होखेगा। इसको 30 मिनट उबालेंगे तो उबालते हैं इसको, बीच में चेक करेंगे एक बार। 20 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैसा हो गया है। अब लेते हैं एक ऐसा हम लकड़ी, इसमें डाल कर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा भी एक कच्चापन है इसमें थोड़ा, और हम इसको 10 मिनट उबाल लेते हैं और तो ढक लेते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट उबाल कर उतार लेंगे। 10 मिनट बाद फिर से हम इसको देखते हैं, फिर से जो लकड़ी है उसको हम डाल कर देखते हैं, पूरा हो गया है, थोड़ा भी खसखस इसमें नहीं कर रहा है, पूरा अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम नीचे उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं इसको, रखते हैं आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए। तो कुछ ठंडा हो गया है, इसको आधे घंटे हम पंखे के नीचे रख दिए थे, ठंडा हो गया है, इसको काट लेते हैं। अब इसको हम चाकू से कट लगा लेते हैं, साइड में इसको रखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ऐसा ही पूरा हम कट लगा लेते हैं। अच्छे से कट सभी को लगा लेते हैं। तो ये लीजिए देखिए किस कितना इसको लेयर लेयर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा टेस्टी। तो चलते हैं इसको हम फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर तवा रख लिए हैं, अब इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। तवा पर हम तेल डाल लेते हैं, अच्छे से इसको फैला लेते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा मेथी दाना डाल लेते हैं,
बहुत टेस्टी से आता है रिखमच में। थोड़ा सा इसको सुनहरा होने देते हैं, मेथी दाना को थोड़ा सुनहरा हो गया है, देखिए ज़्यादा नहीं इसको सुनहरा करना है, तो खुद पर खुद इस पर ये जल जाएगा मेथी, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो इसको रख लेते हैं हम, थोड़ा और ऊपर से हम इस पर तेल डाल लेते हैं चारों बगल से, और थोड़ा देर के लिए हम 30 सेकंड के लिए एक बगल से करते हैं स्लो फ्राई। 30 सेकंड बाद इसको हम पलट लेते हैं इधर से भी ऐसा। बहुत करारा बनता है। तो ये लीजिए हमारा जो रिक्वच है पूरा तैयार है, निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, सभी को एक एक करके हम निकाल लेते हैं इसी में। ये देखिए दिख रहे होंगे कितना बढ़िया ये करारा पूरा सेलो फ्राई हुआ है, कितना अच्छा। साइड में रखते हैं इसको, फिर दूसरा भी हम डाल लेते हैं, ऐसा ही दूसरा भी हम डालकर सेलो फ्राई कर लेते हैं। अब ऊपर से फिर से हम इस पर तेल डाल लेते हैं किनारा किनारा से। पूरा ऐसा फ्राई करने को बहुत टेस्टी लगता है रिक्वच जो है। अब इसको पलट लेते हैं, पलट कर फिर से तेल डालेंगे। इधर से भी हम तेल डाल लेते हैं किनारा किनारा, देखिए कितना करारा दिख रहा है। एक बार बना कर ऐसा खाएंगे तो बार बार आप बोलेंगे कि बार बार बना कर ऐसा खाए हम। दोनों बाजू से करारा सुनहरा हो गया है। अब इसको फिर से हम इसमें निकाल लेते हैं, इस प्लेट में सभी को निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा रिक्वच पूरा बनकर तैयार है, देखिए कितना बढ़िया करारा दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। दिखाते हैं आपको पास से हम। तो ये लीजिए, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है करारा, कितना बढ़िया। ये लपेट के बनाते हैं पाता को, फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। तो ये लीजिए, तो अगर दोस्तों मेरा ये जो रिक्वेस्ट वाला रेसिपी है आप लोग के पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हमें अपना प्यारा प्यारा हाथों से कमेंट में बताइएगा कि जो रिक्वा छाला रेसिपी है आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।